यहाँ पे मैं 6,000 से अपनी ट्रेड्स प्लेस करूंगा यहाँ पे, और भाई साहब यहाँ पे मैंने लगभग 8-10 हज़ार डॉलर के आसपास डाल दिए। जीत गए तो हम आपको लीडर बोर्ड पे देखेंगे, नहीं जीते तो नहीं दिखेंगे, दैट्स इट। ठीक है, तो देखते हैं क्या हो रहा है, मार्केट भी ऊपर नीचे हो रहा है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। माय नेम इज़ गौरव एंड यू आर वॉचिंग ट्रेडर्स। अब काफ़ी देर से मैं मार्केट देख रहा था, सोच रहा था जब स्टेबल होगा ट्रेड करेंगे, मार्केट स्टेबल हुआ और अच्छा खासा प्रॉफिट हम जो है यहाँ पे निकालेंगे अभी। ठीक है, और आप इसको जब भी आप ट्रेड देखते हो तो आप ऐसे फील किया करो जैसे आप ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, अगर आप ऐसे फील करोगे तो इमोशंस भी आपको सेम फील होंगे। मेरा तरीका यही था सिखाने का, सीखने का, दोनों का। ठीक है, ऐसा है तो एक ट्रेड को एक्सप्लेन करूँगा, वीडियो स्किप मत करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और ध्यान से देखो कैसे कैसे क्या क्या ट्रेड्स हो रही हैं, अपना जो है लेवल वगैरह बना रहे हैं, ट्रेंड लाइन हैं, लेवल जो होते हैं उसी पे ट्रेड लेंगे। और आप देख रहे होंगे जो मुझे, मेरे को काफ़ी टाइम हो गया यूट्यूब में भी, 1.5-2 साल से ज़्यादा हो गए होंगे, तो आप देख रहे होंगे कि मेरा हमेशा एक ही चीज़ रहता है, मैं केवल लेवल्स पर ही ट्रेड करता हूँ, कोई स्ट्रैटेजी नहीं, कोई कुछ अनसर्ड नहीं, क्योंकि वही चीज़ मैटर करती है। ठीक है, पहली ट्रेड मुझसे थोड़ी गलती से प्लेस हो गई, मैं अपना अमाउंट चेंज कर रहा था और अब डायरेक्शन की यहाँ पर प्लेस हो गई, बाकी देख किस्मत होगी तो जीतेंगे, वरना इसके बाद रिकवरी करनी पड़ेगी, पहली ट्रेड गलती से लग गई मेरी। ठीक है, तो देखते हैं क्या सीन है यहाँ पे, क्या होता है। ओके, तो लेट्स वेट एंड वॉच। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट वगैरह करना, टेलीग्राम पे मैसेज करना, लिंक टेलीग्राम का नीचे है, सर्च करके आ जाना। और मेरा कोई पब्लिक चैनल नहीं है, आई डोंट हैव एनी पब्लिक चैनल जहाँ पे आप जाएं, तो सीधा मुझे ही आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, तो कॉन्टैक्ट कर लेना। ठीक है, तो ये वाली शायद लॉस हो जाएगी, पर इसको रिकवरी के लिए हमें और टेस्ट लेनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे मार्जिनल पे अब डायरेक्शन की मिलेगी क्योंकि सपोर्ट है, तो मैं आपकी ले लूँगा, 4 ट्रेड लगा दूंगा, 3-4 थोड़ा सा नीचे आ जाए मार्केट, 4 हम प्लेस कर देंगे यहाँ पे ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, यहाँ पे सही लगता है लगाना, नीचे आ गया है, 4 ट्रेड यहाँ पे प्लेस हम कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके, देन यहाँ पे 4 ट्रेड हमने लगा दी, तो अब थोड़ा चांसेस हमारे जीतने के। ठीक है, और आपको मेरे फ्री ग्रुप में आना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, लिंक से अकाउंट बना के उसमें डिपॉजिट करके मुझे मैसेज करना, मैं आपको ऐड कर दूंगा। सिंपल प्रोसेस है, लिंक से अकाउंट बना के डिपॉजिट करके मैसेज करना, ऐड कर दूंगा। पेड में आना है तो पर्सनली मैसेज करना, वहाँ पे हम लाइव मार्केट में आपको सिखाते हैं। सैटरडे से पहले आ जाना, सैटरडे से क्लास स्टार्ट है। ठीक है, और एक और चीज़ ये है कि आपका फ्री ग्रुप में आओगे तो वहाँ पे मंडे टू फ्राइडे सिग्नल रहते हैं, एवरी डे प्रॉफिट में एंड होता है, आप जाके हिस्ट्री चेक कर लेना, हर दिन प्रॉफिट में एंड होता है, और 2 से 3 दिन हम कैपिटल डबल करवाते हैं, कल भी डबल करवाया है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ओके, और पेड में आपको सारे फ्री सिग्नल के बेनिफिट तो मिलते हैं, सिग्नल्स तो आते ही आते हैं, वहाँ लर्निंग भी होती है, ये डिफरेंस है। काफ़ी लोग पूछते हैं डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि फ्री ग्रुप के सिग्नल तो सारे वहाँ के वहाँ मिलेंगे पेड में, बट आपको लर्निंग अलग से मिलेगी। ठीक है, ये हमने विन कर ली वाली ट्रेड यहाँ पर, प्रॉफिट मेरे ख्याल से 1500 लगभग 1 लाख के ऊपर हमने यहाँ पर प्रॉफिट बना ही दिया होगा। ठीक है, तो देखते हैं, क्योंकि मार्केट स्टेबल है तो आज मैं थोड़े ज़्यादा हैवी रिस्क ले सकता हूँ, मार्केट स्टेबल होने की वजह से मैं रिस्क यहाँ पर थोड़े हैवी ले सकता हूँ, थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन मेरे पे आ चुका है 1500-2000 डॉलर का, तो 1500-2000 डॉलर के आसपास मैं यहाँ पे अपना प्रॉफिट भी रिस्क पर डाल सकता हूँ ताकि मेरे कैपिटल पे बहुत ज़्यादा असर ना पड़े। ठीक है, मार्केट स्टेबल है, ऐसा उछल नहीं रहा जैसे उछलता है रात को कभी कभी, भाई साहब कभी कभी तो इतना डीप हरा देता है भयंकर की। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन रहता है मन के अंदर पूछ लिया करो, ठीक है, मैं सबको रिप्लाई करता हूँ, आप लोगों को पता है थोड़ा सा लेट हो जाए पर कोई बात नहीं। और कोई मेरे ग्रुप्स में आ रहा है तो टाइमिंग क्या है भाई, मैं आपको जैसे आप मुझे मैसेज करते हो आपका प्रोसेस हो जाता है, तो विद इन 1-2 घंटे के अंदर आप लोग ऐड हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगती है, जल्दी ऐड आपको हम करा देते हैं। ठीक है, ऐसा है, और प्रॉफिट्स बनाएं, रेगुलर इनकम बनाएं ताकि आप सीख भी सकें, आपकी अर्निंग हो भी सके। ओके गाइस, ठीक है, और यहाँ पे यार वैसे यहाँ पे ट्रेड बन सकती है एक। ठीक है, थोड़ा सा लेट हो गया, हमें मार्जिन पे ट्रेड लेना चाह रहा था मैं, अब यहाँ पे लगा देता हूँ मैं। ठीक है, अब डायरेक्शन के लेने का रीज़न ये है कि मार्केट ने जस्ट अभी एक मतलब ब्रेकआउट का रिट्रेसमेंट दिया था, कंटिन्यूएशन होना चाहिए, मार्केट ने ब्रेकआउट देख के रिट्रेसमेंट दिया, प्रीवियसली आप देखेंगे जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल है फिर रिट्रेसमेंट भी दिया, तो वहाँ से फिर कंटिन्यूएशन होना चाहिए, हो जाएगा तो बहुत बढ़िया, नहीं होगा तो भाई हम इसको दिल पे नहीं लेंगे, क्योंकि हर बार हम सही नहीं हो सकते, कभी कभी मार्केट को देना भी पड़ता है। ठीक है, और मैं बहुत ज़्यादा लॉस में आऊँगा भी नहीं, क्योंकि मेरे जो प्रॉफिट बनाए हैं थोड़ा बहुत वही जा रहा है, 300-400 मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 400-500 इतने के लॉस में जाऊँगा मैं, वो मैं आराम से रिकवर कर लूँगा। तो आपको अपने प्रॉफिट को अगर आप रिस्क पर डालोगे तो आप कभी लॉस में नहीं आओगे, क्योंकि अगर इनके साथ उसको जीतते हो तो आपका बहुत बड़ा प्रॉफिट, मतलब वहाँ पे ह्यूज प्रॉफिट बनते हैं, वही आपको आगे ग्रो करके लेके जाते हैं। ठीक है गाइस, तो चीज़ें ऐसी है, आपको जो है खुद पे भरोसा रखना है। ठीक है, खुद पे भरोसा रखें, आप लोग कर सकते हो भाई, सब कर सकते हैं। और आजकल मैं देख रहा हूँ कि आजकल बहुत ज़्यादा मतलब वो किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा वो किया जा रहा है, क्या बोलते हैं उसको, अपोज किया जा रहा है कि बाइनरी ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग, तो यार लोग तो अपोज इसको करेंगे ना भाई। अब मतलब बंदा जो है, जैसे बंदा क्या बोल रहा हूँ, जैसे कोई बंदा है, ठीक है, उसके पास 10 लाख रुपये हैं, वो अगर स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता है तो 10 लाख पे वो 1% डे भी नहीं बना सकता, यानी कि 10 लाख रुपये पे वो 10,000 से 20,000 रुपये ऑन एन एवरेज महीने के एंड में देखोगे तो 1% भी शायद कभी कभी किसी के जेब में आता है, महीने का बता रहा हूँ मैं। अगर कोई ऑप्शन बाइंग कर रहा है, सेलिंग कर रहा है, सेलिंग करने वाले जाके महीने का 3-4% कमाते हैं, वो भी सीखने के बाद, मतलब महीने का 3-4% मतलब 10 लाख के कैपिटल पे 40,000 महीना,
भैया ऐसा थोड़ी होता है यार, मतलब अगर मैं 5% भी ले लूँ मैक्सिमम, तो भाई 10 10 लाख रुपए के कैपिटल पे 50,000 महीना कमा रहे हो तो क्या कमा रहे हो? तो लोग अपोज करेंगे भाई, लोग अपोज करेंगे इन चीज़ों को, ठीक है। सरकार ने क्या किया, सरकार ने बोला भाई सीधी सी बात है 30% भर दो, ठीक है। तो सरकार ने बोल दिया 30% भर दो, तो भाई तुम अगर फॉरेक्स या फॉरेक्स बाइनरी कर दो, 30% भरो, किनारे हो जाओ, आपका काम खत्म, कोई कुछ नहीं बोलने वाला, टैक्स भर दिया ना। ये जो लोग हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो चाहते हैं सब स्टॉक्स मार्केट में जाएँ और मतलब स्टॉक मार्केट की वॉल्यूम बढ़े, क्योंकि अगर सारे लोग फॉरेक्स में शिफ्ट हो जाएंगे तो स्टॉक्स का वॉल्यूम कहाँ से बढ़ेगा? लोग वहाँ पे आपकी लिक्विडिटी रहेगी ही नहीं, है ना। क्योंकि मैं देख रहा हूँ मतलब रिसेंटली सारे लोग, बहुत सारे लोग फॉरेक्स और बाइनरी में शिफ्ट हुए, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आपके पास महीने की अगर आप जॉब कर रहे हो, मतलब सैलरीड हो, तो 5-10 हज़ार अगर बच रहे हैं, तो फॉरेक्स और बाइनरी है जो आपके 5-10 हज़ार को शायद महीने के एंड में 40,000-50,000 आपके जेब में दे दे। भैया 5,000 का स्टॉक मार्केट में डालोगे तो वो भसम होने ही है, और अगर प्रॉफिट कर भी लिया तो 5 के 6 बना लोगे, हद 7,000 बना लोगे, क्या कर लोगे 2,000 रुपये का मकान बना लोगे, सीमेंट के तो कट्टे भी नहीं आएंगे भाई। इसलिए लोग फॉरेक्स में शिफ्ट हो रहे हैं, और स्टॉक्स मार्केट वालों को प्रॉब्लम हो रही कि वहाँ लिक्विडिटी नहीं जा रही, तो वो लोग बोलेंगे भाई कि फॉरेक्स में मत जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यही चीज़ है, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी जैसी मिलेगी मैं ट्रेड लूँगा, मैं बस वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अच्छे खासे ट्रेड लेने वाला हूँ अभी, ठीक है। तो आपको देखो, सबसे पहले सीन ये है कि मार्केट कोई ख़राब नहीं होता, आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि आप किस टाइप के आदमी हो, ठीक है। अगर स्टॉक मार्केट में, यहाँ देखो मेरा 700 से 1,000 का लॉस है, इसे मैं करूँगा रिकवर अभी। अगर आप ऐसे हो जिसके पास पैसा बहुत सारा है, आपको लो रिस्क में रहना है, पैसा ज़्यादा है लो रिस्क में रहना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे डाउन ड्यूरेशन की ट्रेड ले लिया गाइस, ठीक है, डाउन डायरेक्शन की ले ली क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस लेवल था, ओके। अगर आप ऐसा आदमी हो, पैसा बहुत है, रिस्क कम लेना है, तो जाओ स्टॉक्स मार्केट में ऑप्शन सेलिंग वगैरह करो, ठीक है। पैसा बहुत ज़्यादा है, रिस्क भी बहुत ज़्यादा लेना है, ऑप्शन बाइंग कर लो, ठीक है। पैसा कम है, रिस्क भी पूरा लेना है, तो बाइनरी में आ जाओ। तो ये आपको खुद से सीखना है, ठीक है। और पैसा कम है, रिस्क भी मीडियम मीडियम रखना है, तो फॉरेक्स में जाओ। तो ये आप पे डिपेंड करता है किस टाइप के आदमी, मार्केट सारे अच्छे हैं, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा हर मार्केट में धीरे धीरे इन्वेस्ट कर दिया करो, धीरे धीरे जैसे जैसे कमाते हो, ठीक है। मार्केट यहाँ पे धप-धप हो रहा है भाई साहब, मेरा भी धप-धप हो रहा है, झटके में ना हो जाए, बट लेकिन ओके, ये इसको हम जीत चुके हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे हो गया होएगा, ठीक है। वो नाइस 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 हो गया, 5-6-7 हज़ार डॉलर हो गए होंगे, बहुत है, मार्केट स्टेबल था इसलिए क्या, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है किस टाइप के आदमी, अगर आप मतलब आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर प्रॉफिटेबल बन जाओ, ठीक है। जैसे 6,000 समथिंग है, मैं 8वीं 9वीं पोजिशन पर आऊँगा, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर प्रॉफिटेबल बन जाओ, स्टॉक्स में बन जाओ या फिर फॉरेक्स में, बाइनरी में, किसी में भी एक में आप मतलब अच्छा हो गए ना, तो आप बाकी प्लेटफॉर्म में हो जाओगे, ठीक है। अगर आप बाइनरी में अच्छे हो गए तो फॉरेक्स और स्टॉक्स में हो जाओगे, आप स्टॉक्स में अच्छे हो गए तो आप फॉरेक्स और बाइनरी में धीरे धीरे हो जाओगे। तो किसी भी एक प्लेटफॉर्म को पकड़ो, अगर आपने वो अच्छे से आपने कर लिया तो आप हो जाओगे। जो फॉर एग्जांपल कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसको जावा आती है, तो अगर उसको जावा अच्छे से आती है तो वो मतलब अगर दूसरी कंपनी में स्विच करता है तो वो दूसरी कोई लैंग्वेज तुरंत जल्दी सीख जाता है, कुछ हफ्तों में सीख जाता है, इवन पहले, क्योंकि उसको पता है अपने पुराने मार्केट का सीन। तो यहाँ पे भी ये, कोई भी मार्केट सीख जाओ, अगले मार्केट में स्विच करोगे तो आपके लिए आसानी ही होने वाली है, ठीक है। यहाँ से मैं अब डायरेक्शन की ट्रेड लूँगा, क्योंकि मेरे पेड ग्रुप की स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, जो मेरे बंदे पेड ग्रुप में आते हैं, पेड ग्रुप में सीखते हैं, उनको स्ट्रेटजी मिलती है सीक्रेट, उसके हिसाब से अब डायरेक्शन की ट्रेड बनने वाली है, तो दे दी, ठीक है। कोई भी मार्केट मास्टर करो, आप जो है बाकी मार्केट खेल सकोगे अच्छे से। तो इसलिए अभी इस बात पे मत पड़ो कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा गुमराह कर रहे हैं लोगों को, ये करो वो करो, यार भाई हर किसी के पास 10 लाख 50 लाख 1 करोड़ थोड़ी है ऑप्शन सेलिंग करने के लिए, या 2.5-3 लाख रुपये थोड़ी ऑप्शन बाइंग करने के लिए। लोग सैलरीड पर्सन है, 5-10 हज़ार महीना कर सकते हैं कहीं से, वो भी बहुत जान लगा के, वो भी अपनी कितनी इच्छा है मार्केट, तो उनको ऐसी जगह लगाना जहाँ पे अगर लॉस हो रहा है तो ठीक है, पर प्रॉफिट हो रहा है तो एटलीस्ट 5-10 गुना हो जाए, तो यहीं पर हो सकता है वो, ठीक है। अगर हम भी स्टॉक्स में घुसते तो 20,000 रुपये से आज की डेट में साला 2 लाख भी नहीं बनते भाई अभी तक मेरे, क्या करता मैं, ठीक है, ऐसा रहता है भाई, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा जो मैंने बोला, ठीक है। बाकी फ्री ग्रुप में आना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, लिंक से अकाउंट बना के डिपॉजिट करके मैसेज करना, और पेड ग्रुप में आना तो पर्सनली मैसेज करना, ठीक है, ओके। तब देखने आगे क्या सीन है, ओके। इसको हम जीत जाएंगे, बहुत सही बहुत सही, $50 लगा दी, कम की लगाएंगे, ठीक है, इसको भी हम जीत जाएंगे, ओके। तो अच्छा खासा लीडर बोर्ड में भी आ गए होंगे हम, हमारी देखो 9th पोजीशन चल रही है, ठीक है, देख लेना आप लोग भी, क्रॉस वेरीफाई कर लेना ताकि कौन सही है कौन सही नहीं है पता चल जाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू सो मच।